आज हम लोग जानने वाले हैं भारत के 5 ऐसे क्रिकेटर जिनको BCCI सबसे ज़्यादा सैलरी देती है। BCCI मुख्य रूप से 4 प्रकार से सैलरी देती है। पहला है रिटर्न फीस के रूप में, जो वर्ष में एक बार दिया जाता है। दूसरा है टेस्ट मैच खेलने पर प्रत्यक्ष मैच के लिए फीस दिया जाता है। तीसरा है ODI मैच खेलने पर प्रत्यक्ष मैच के लिए फीस दिया जाता है। और चौथा है T20 मैच के लिए प्रत्यक्ष मैच पर खेलने के लिए दिया जाता है। पांचवें नंबर पर हैं RR अश्विन। ये भारतीय क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर हैं। इनको रिटर्न फीस के रूप में 5 करोड़ दिया जाता है, टेस्ट मैच में 15 लाख, ODI मैच में 6 लाख और T20 मैच में 3 लाख दिया जाता है। RR अश्विन का नेटवर्थ है $15 मिलियन, जो कि भारतीय रुपीस में 118 करोड़ होता है। चौथे नंबर पर हैं KL राहुल। KL राहुल भारतीय क्रिकेट टीम में राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। KL राहुल को रिटर्न फीस के रूप में 5 करोड़, टेस्ट के लिए 15 लाख, ODI के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख मिलता है। KL राहुल का नेटवर्थ है $10 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में 79 करोड़ होता है। तीसरे नंबर पर हैं जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम में राइट हैंडेड बॉलर हैं। जसप्रीत बुमराह को रिटर्न फीस के रूप में 7 करोड़ मिलता है, टेस्ट के लिए 15 लाख, ODI के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख मिलता है। जसप्रीत बुमराह का नेटवर्थ है $7 मिलियन, जो कि भारतीय रुपीस में 55 करोड़ होता है। दूसरे नंबर पर हैं रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम में राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। रोहित शर्मा को रिटर्न फीस के रूप में 7 करोड़ दिया जाता है, टेस्ट 15 लाख, ODI के लिए 6 लाख, T20 के लिए 3 लाख मिलता है। रोहित शर्मा का नेटवर्थ है $25 मिलियन, इसमें 197 करोड़ होता है। पहले नंबर पर हैं विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम में राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। विराट कोहली को रिटर्न फीस के रूप में 7 करोड़, टेस्ट के लिए 15 लाख, ODI के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख मिलता है। विराट कोहली का नेटवर्थ है $127 मिलियन, जो कि भारतीय रुपीस में 1003 करोड़ होता है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।